चलिए अब आगे करते हैं। स्किप काउंटिंग इन थ्रीज। थ्रीज का मतलब क्या है डियर चिल्ड्रन, कि हमें थ्री नंबर्स को स्किप करना है। रीड द हेडिंग, हेल्प द डायनासोर टू रीच द एंड पॉइंट। मेक द डायनासोर जंप एवरी थर्ड नंबर एंड कलर द नंबर ही जंप्स ऑन। देखो इन्होंने क्या कहा है कि डायनासोर की हमें हेल्प करनी है और उसको एंड पॉइंट तक पहुंचाना है। वो हर थर्ड नंबर पे जंप करेगा और जिस नंबर पे वो जंप करके आएगा उसको हमें क्या करना होगा, कलर करना होगा। ये देखो डायनासोर को यहाँ से स्टार्ट करवाना है, एवरी थर्ड नंबर पे उसे जंप करवाना है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, नंबर थ्री को क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। नंबर थ्री के बाद थर्ड बॉक्स कौन सा होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब नंबर सिक्स पर आ जाएगा डायनासोर। नंबर सिक्स आफ्टर, ये देखो नाइन को मैंने कलर कर दिया। नाइन के बाद थर्ड नंबर कौन सा होगा, ट्वेल्व, फिफ्टीन, एटीन, इसी तरीके से करके एवरी थर्ड नंबर को हम कलर कर देंगे और डायनासोर को एंड पॉइंट तक पहुंचा देंगे। ये हो गई स्किप काउंटिंग इन थ्रीज। नाउ स्किप काउंटिंग इन फाइव्स। फाइव्स का मतलब हमें एवरी फिफ्थ नंबर को कलर करना है। काउंट द नंबर्स गिवन एंड कलर एवरी फिफ्थ बॉक्स येलो। देखो इन्होंने फिफ्थ बॉक्स को येलो किया हुआ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। इसी तरीके से डियर चिल्ड्रन आपको भी आगे फिफ्थ नंबर फिफ्थ बॉक्स पर जाना है और उसको येलो कलर से कलर कर देना है। ये आपको खुद करना है सारा। द नंबर्स कम आउट टू बी। अब नंबर्स जो यहाँ पर हमने कलर किए हैं, जो येलो कलर करोगे आप, जो नंबर्स यहाँ निकल कर आएंगे उसको आपको यहाँ पर लिखना है। स्किप काउंटिंग इन टेंस। टेंस का मतलब क्या है, अब हमें एवरी टेंथ नंबर को कलर करना है। काउंट द नंबर्स गिवन एंड कलर एवरी टेंथ नंबर गिवन। देखो इसमें टेंथ नंबर को इन्होंने कलर किया हुआ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ। और टेन की जो स्किप काउंटिंग होती है वो वेरी इजी होती है। देखो डियर चिल्ड्रन, टेन की जो टेबल होती है वही होती है टेन की स्किप काउंटिंग। तो इसमें आपको ग्रीन कलर करना है।